हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एन सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एन इंग्लिश चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ व्हिच इज़ गुलिवर्स ट्रैवल इस चैप्टर की एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है जिसमें मैं आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको वर्ड मीनिंग कराए जा चुके हैं तो इस वीडियो में हम लोग एन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ओके इफ़ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें ओके ओकेट स्टार्ट नाउ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द कैप्टन सेंट द मैन मैन टू द लैंड कैप्टन ने मैन को लैंड के ऊपर क्यों भेजा था तो हमने देखा कि इन सर्च ऑफ वाटर उनको एक vessel दिया था और कहा था कि जिसको भी पानी मिले लेकर आओ uh, जबकि वो जमीन जो थी वो बैरन थी वहाँ पर uh, कोई इन्ेबिटेंट भी इनको नहीं मिला था खैर आपको आंसर्स लिखने होते हैं क्योंकि बुक में तो मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता देती हूँ आप लिखेंगे द कैप्टन सेंट द मेन इन सर्च ऑफ वाटर टू द लैंड ओके इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में वो गए थे नेक्स्ट इज डिड द द रश बैक टू शिप सभी वापस क्यों आ गए थे शिप पर गुलीवर भी वापस आ ही रहा था द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज दे गेट एनी वाटर कोई पानी वहां पर उनको नहीं मिला था ओके okay? और जब इसने देखा प्लस उनके पीछे एक जॉइंट भी पड़ गया था जब वो बोट में थे दैट इज बाई वो रो बैक भी कर गए थे उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं क्विज के लिए अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं कहने का मतलब है तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है द जा कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज जाइंट जो है वो एक रीपिंग हुक लेके आए थे अपने साथ क्यों बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट क्योंकि वो दूसरे जाइंट से लड़ रहा था जाइंट मतलब एक बड़ा आदमी बहुत जो कि इसमें जिनका जिक्र किया गया है नई लैंड पे जहाँ पर ये जाता है वहाँ पर जायंस ही थे सभी ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न वो कॉर्न को रीप करने के लिए जा रहा था ही वॉन्टेड टू फ्राइट इन गुलीवर वो गुलीवर को डराना ड्रान, डराना जाता था तो आंसर बी करेक्ट है वो जो कॉर्न है उसको रीप करने के लिए जा रहा था काटने के लिए जा रहा था दैट इज़ रीपिंग हुक साथ लेके जा रहा था ये रीपिंग हुक होता है देख लीजिए नेक्स्ट इज दे पुट गुलीवर ऑन दी ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज हमने देखा था कि जब गुलीवर को पकड़ता है तो वो रख देते हैं उसको ग्राउंड पर और सभी उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं क्यों बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर उन्होंने कभी ह्यूमन नहीं देखा था या फिर दे थॉट ही वॉज अ डॉल उन्हें लगा वो कोई डॉल है दे हैड नेवर सीन सच टाइनी मैन क्योंकि उन्होंने कभी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था ऑप्शन सी करेक्ट होगा ह्यूमन डेफिनेटली वो सभी ह्यूमन बींग जैसे ही दिखते थे जैसा पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है तो ह्यूमन डेफिनेटली देखा था डॉल तो क्यों ही सोचेंगे चलता फिरता आदमी है लेकिन टाइनी मैन है बहुत छोटा था डोर्फ जिससे आप कह सकते हैं डॉल्फ बोलते हैं बोना आदमी को तो उनके लिए तो एक ज़्यादा ही छोटा था वो दैट इज वाई सब उसको बहुत क्यूरसिटी से देख रहे थे उनके यहाँ एक साल का बच्चा भी उतना छोटा नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलीवर वॉज गुलीवर कौन था अ फार्मर सेलर डॉल्फ या डॉर्फ या जायंट मैं आपको बता चुकी हूँ जायंट बड़ा होता है जायंट का अगर आपको ऑपोजिट पूछेंगे तो डॉर्फ होगा तो गुलीवर जो था वो एक सेलर था नाविक था नेम द क्रीचर टू होम यू वुड यू वुड लुक लाइक गुलीवर कौन सा एक ऐसा क्रीचर uh, है जो आपको जैसे गुलीवर को लोग दिख रहे थे वहाँ पर uh, वैसे ही आपको वो दिखाई देगा द क्रीचर इज नाउ एक्सटिंट अब आपको हिंट दिया हुआ क्रीचर एक्सटिंक्ट हो चुका है एक्सटिंट और इंडेंजर्ड में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ एक्सटिंट मतलब होता है खत्म हो चुका है ये अभी नहीं है द वर्ड बिगिनस विद द लेटर डी डी से वर्ड स्टार्ट होता है तो डायनोसॉर है डी आई एन ओ डाइनो एस ए यू आर ओके तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट इज फ्रॉम द टेक्सट टेक्सट से वो वर्ड बताइए राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट जो आपको बताते हैं कि द जायंट रीपर वर फैसिनेटेड बाय गुलीवर कि वो जो जायंट रीपर्स थे वो फैसिनेट हो गए थे गुलीवर से अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी तरफ या फिर उसको देख के अचंभित हो गए थे तो ये हमें वहां पर पता लगता है जहां पर वो उसको ग्राउंड पर रख देते हैं और सब उसको ऑब्जर्व करते हैं उस लाइन से तो मैं आपको एग्जैक्ट लाइन से ही बता देती हूँ तो आपके चैप्टर में ये जो एक लाइन यूज हुई है दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड वो सभी ग्राउंड पर बैठ जाते हैं टू टेक अ गुड लुक एट हिम उसकी तरफ उसको एक अच्छे से देखने के लिए इसे हमें पता लगता है कि वो फैसिनेटेड थे गुलीवर से गुलीवर वॉज अ लर्न मैन गुलीवर जो था एक लर्न मैन था एक विद्वान था जानकार था चीज़ों का ये कहाँ से पता लगता है जहाँ पर उसने ये कहा कि आई ट्राई टू स्पीक देम लाउडली इन सेवर लैंग्वेजेस अब कोई सेवरल लैंग्वेजेस जानता हो एक से ज़्यादा लैंग्वेज में बात करना तो डेफिनेटली ही मस्ट बी अ लर्नड मैन नेक्स्ट इज द फार्मर सन थॉट गुलीवर वॉज अ टॉय फार्मर के सन ने सोचा कि गुलीवर जो है वो एक टॉय है ये हमें वहां से पता लगता है जब उस आपको बताया हुआ है कि बच्चे ने ऑन सीइंग मी मुझे देखकर क्या क्या ग्रैब किया टेबल से और पुट पुट मी माय हेड इनटू हिज माउथ जैसे बच्चा करता है ना टॉयज को अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है ऐसे उसको लगा कि कोई छोटा सा टॉय ही है द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन ये हमें वहां से पता लगता है जैसे कि पहली बात तो उसने उसकी नेक टूटने वाली थी उसने उसको बचाया और सेकेंड उसने उसको हैंग भी दिया था सोने के लिए अपना ओके okay? अप्रिन में उसको बचा लिया था हेल्ड कर लिया था अदरवाइज की गर्दन टूट सकती थी नेक्स्ट है जेंटल वॉर्म स्ट्रॉम स्वीट लाइट या फिर वाइट तो फेदर अगर आपने देखा है पंख बहुत लाइट वेट होता है बहुत ही हल्का होता है तो यहां पर हम लिखेंगे एज लाइट एज अ फेदर यहाँ पर लाइट आ जाएगा एज डैश एज अ ट एक टोटॉइज टोटोइज बहुत स्लो होता है तो एज स्लो एज अ टर्टल टोटॉइज की तरह स्लो एज़ डैश एज अ हनी हनी क्या होता है बहुत स्वीट होता है तो एज स्वीट एज मैं आपको सारे आंसर्स ही बता देती हूँ सो दैट यू कैन राइट एज लाइट एज अ फेदर फेदर की तरह लाइट एज स्लो एज अ टोटॉइज़ टोटॉइज़ की तरह स्लो जब आप किसी को कंपेयर करते हैं कि तुम तो बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहे हो तो ऐसे आदमी से कंपेयर करते हैं ऐसे किसी दूसरे क्रीचर से चीज़ से कंपेयर करते हैं जो एक्चुअली में स्लो हो टोटोइस बहुत स्लो चलता है एज स्वीट एज हनी वो तो बिल्कुल शहद जैसा मीठा है ओके okay? तो हनी की तरह स्वीट एज वाइट एज स्नो स्नो बर्फ की तरह बिल्कुल वाइट है एज स्ट्रॉग एज ऑक्स ऑक्स की तरह बिल्कुल स्ट्रॉग है एज ब्लैक एज नाइट नाइट जैसे ब्लैक होती है बिल्कुल एज इतना ही ब्लैक वो है एज रेड एज अ रोज एक रोज की तरह रेड है एज वॉर्म एज अ टोस्ट टोस्ट की तरह वॉम है टोस्ट एकदम गर्म होता है एज जेंटल एज अ ब्रीज ब्रीज होती है ठंडी हवा ठंडी हवा की तरह बहुत जेंटल है ओके okay? तो इसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं नेक्स्ट इज यूज़ दी अबव एक्सप्रेशन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सब ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को आपको यहाँ पर यूज़ करना है सेंटेंस कम्प्लीट करने में द ओल्ड मैन हेयर इज एज वाइट एज जो ओल्ड मैन के जो हेयर थे वो एज वाइट एज स्नो स्नो के जैसे वाइट थे ओके हिज फीट वर एज कोल्ड उसके जो पैर थे वो थे एज कोल्ड एज अब कोल्ड क्या होता है एज कोल्ड एज आइस कोल्ड आप उसी से कंपेयर करेंगे ना जो चीज़ ठंडी होती है तो ठंडी आई थिंक बर्फ होता है आप उसको लिख सकते हैं द न्यूज न्यूज़ पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज न्यूज़ पेपर बॉय कैसा था एज स्लो एज अ टोटॉयस एक टोटॉयस की तरह वो स्लो था इन डिलीवरिंग न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर डिलीवर करने में आई फेल्ट एज लाइट मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था एज अ फेदर एक पंख जितना हल्का मैं महसूस कर रहा था आफ्टर एक्सरसाइजिंग ओके तो इन वर्ड्स को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे क्रिएट योर ओन कम्पेरिजन फॉर द फॉलोइंग इनके लिए अपना खुद का कंपेरिजन आपको बताना है एज टॉल एज उसकी तरह टॉल किसकी तरह जिराफ की तरह आप कह सकते हैं बिकॉज जिराफ बहुत टॉल है या फिर अगर आप ज़्यादा ही कोई चीज़ टॉल है तो एज टॉल एज भूज खलीफा भी आप कह सकते हैं वो भी बहुत टॉल है और भी बहुत सारी चीज़ों से आप कंपेयर कर सकते हैं एज फास्ट एज उसकी तरह तेज है फास्ट है फास्ट दौड़ता है तो फास्ट कौन सा एनिमल है आप किससे कंपेयर कर, कर सकते हैं आप चीता से कंपेयर कर सकते हैं ओके सो दे आपके आंसर्स ये हो सकते हैं एज टॉल एज अ ट्री एक पेड़ जितना टॉल है वो ठीक एज फास्ट एज चीता चीता जितना फास्ट है एज हाई एज अ काइट जैसे काइट आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ती है इतना हाई वो जा रहा है एज एंग्री एज अ बुल एक बुल की तरह एंग्री है एज टाइनी एज एंट एक एंट के जैसा टाइनी है छोटा सा एज ब्रेव एज लाइन लाइन के जैसा वो बहादुर है तो इनसे आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं लोगों को नेक्स्ट इज देर आर मेनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कोई काम क्यों हुआ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुलीवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज गुलीवर फेंस इसलिए क्लाइंब नहीं कर पाया क्योंकि एवरी स्टेप वह सिक्स फीट आए हर एक स्टेप जो था वो छः फीट बड़ा था उसकी हाइट जितना बड़ा तो एक स्टेप ही था एक सीढ़ी ही थी तो वो कैसे क्लाइंब करता ही सो वन ऑफ द जाइंट कमिंग टूवर्ड्स इन फिर उसने देखा कि एक जॉइंट उसकी तरफ आ रहा है इसलिए भी वो क्रॉस नहीं कर पाया फेंस को कोशिश भी करता तो जॉइंट हो सकता है उसको देख लेता ही रेंट टू हाइड हिमसेल्फ फिर वो अपने आप को छुपाने के लिए भाग गया इसलिए भी वो फेंस को क्लाइम नहीं कर पाए तो ये रीज़न्स है फैंस क्लाइंब ना करने के ऑल द थ्री आर रीजन्स वाई गुलीवर वॉज अलेके अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई आप उस पिक्चर को देखिए और तीन रीज़न बताइए कि ये पिक्चर क्यों ऐसी है तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ एक गेट लगा हुआ है वहाँ पर गेट पर लिखा हुआ है नोटिस प्ले कैंसल्ड प्ले कैंसिल हो गया तो क्या रीज़न हो सकता है प्ले कैंसिल होने के हो सकता है कि इसके जो लीड रोल में जो हो लोग वो बीमार हो इसलिए प्ले कैंसिल हो गया हो है ना हो सकता है कि कोई दूसरा प्ले हो पूरी ऑडियंस वहां पर चली गई हो हो सकता है टिकट ना बिके हो इसलिए प्ले कैंसिल हो गया हो तो प्ले कैंसिल होने के क्या रीजन हो सकते हैं आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे पहला रीजन हो सकता है वन ऑफ द एक्टर वाज इल कोई एक्टर बीमार है अब फ्यू टिकट्स वर्ड सोल्ड बहुत कम टिकट्स बिके हैं ड्यू परमिशन वॉज नॉट टेकन आपने परमिशन नहीं ली थी इसलिए गवर्नमेंट ने आपका प्ले कैंसिल कर दिया प्ले मतलब होता है नाटक कहीं पर हो रहा था आप देखने जाने वाले थे अनदर मेगा इवेंट इन द सिटी कोई और बड़ा इवेंट हो रहा है सिटी में इसलिए हमने अपना प्ले कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट वॉज डायरेक्टर वॉज अपसेट विद द प्रैक्टिस कुछ भी हो सकता है हो सकता है डायरेक्टर जो हो प्ले का वो आपकी प्रैक्टिस से खुश ना हो मैसिव रेन और स्नोफॉल इन द सिटी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर कोई भी नेचुरल कैलोमिटी आते तो इस तरीके के जो लाइव शोज होते हैं उनको कैंसिल करना पड़ता है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस प्ले को कैंसिल करने का सेकेंड में देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर दो लोग हैं अ लेडी एंड अजेंट और दोनों ही जेंट्स दोनों ही आपके वॉक पर जा रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है वॉक करने का दे आर ऑन एन इवनिंग वॉक अच्छा आपको मोन भी दिख रहा होगा उसने ऊपर तो इवनिंग वॉक भी वो जा रहे हैं पार्टी हो सकता है दोनों पार्टी अटेंड करने जा रहे हो रिटर्निंग फ्रॉम अ मैरिज हो सकता है दोनों किसी शादी से वापस आ रहे हो रात को क्योंकि मोन है यानी कि शाम हो गई है अ डॉक्टर हैज सजेस्टेड देम टू वॉक डॉक्टर ने कहा खाना खाने के बाद वॉक किया करो इसलिए वो जा रहे हो ये भी रीजन हो सकता है दे इंजॉय नेचर एवरी डे उनको नेचर वो नेचर को बहुत इंजॉय करते हैं रोजाना उसमें घूमना तो ये भी एक रीजन हो सकता है आप अपनी तरफ से भी डेफिनेटली कोई और रीजन भी लिख सकते हैं लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम ओवर द फेंस वेन द जांट सॉमी मैं फेंस को क्लाइम करने की कोशिश कर रहा था जब जाइंट ने मुझे देखा द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग द कैट फार्मर की वाइफ जो स्टॉक कर रही थी कैट को सहला रही थी वैन हर वन ईयर ओल्ड सन एंटर जब उसका एक साल का जो सन था वो एंटर किया बोथ द एक्शंस वर इन पास्ट दोनों एक्शन पास्ट में है वेन द फर्स्ट वन वॉज गोइंग ऑन जैसे पहला एक्शन चल रहा था द सेकेंड वन हैपन दूसरा एक्शन हो गया तभी अब आपको नीचे कुछ एक्शन दिए मैं आपको उनको मैच करना है जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर मैं एक लेटर लिख रहा था माई पेन रैन आउट मेरा पेन खत्म हो गया सो so आप लिखेंगे वेन आई वॉज राइटिंग अ लेटर जब मैं एक लेटर लिख रहा था माई पेन रैन आउट मेरा पेन खत्म हो गया तो इन दोनों को आप मैच कर देंगे वेन और उससे आपके सेंटेंस से अब जरूर नहीं है कि पहले यही हो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आई मेट अर्जुन मैं अर्जुन से मिला सॉरी नॉट अर्जुन दिस दिस इज अरुण व्हेन आई मेट अर्जुन जब मैं अरुण Ar, uh, से मिला ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग वो अपने डॉग को uh, को ढूंढ रहा था तो ये आपका इस तरीके से मैच होगा पहले ये सेंटेंस लिखा जाएगा बाद में ये ओके समझ गया आप तो जरूर नहीं है यहीं पर वेन आएगा और बाद में आपका सेंटेंस मैच होगा हो सकता है पहले ये सेंटेंस लिखा जाए और उसके बाद में सेंटेंस मैच हो आपका तो मैं इसके आपको आंसर्स बता देती हूँ मैचिंग डेफिनेटली आप ख़ुद कर लेंगे सो so फर्स्ट तो यही है आई वॉज राइटिंग अ लेटर वैन माई पेन रन आउट मैं लेटर लिख रहा था जब मेरा पेन जो है वो रन आउट हो गया खत्म हो गया वेन पॉल वॉज लुकिंग आउट फॉर विंडो ही नोटिस अ लवली बटरफ्लाई जब वो विंडो की तरफ देख रहा था पॉल तो उसने एक नोटिस किया एक लवली बटरफ्लाई को और उनका हम लोग कर चुके हैं था वेन Stop writing. जब ने कहा कि लिखना बंद कर दो द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल वेन ही फेल ऑफ द लैडर मैन जो है वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रहा था वॉल को पेंट करना जबकि वो दीवार को पेंट कर रहा था जब वो लैडर से गिर गया अमित वॉज डूइंग इज होमवर्क अमित अपना होमवर्क करा था वैन द लाइट वेंट आउट तो लाइट चली गई माई मदर वॉज कुकिंग डिनर वैन द बेल रैंक मेरी मदर डिनर बना रही थी जबकि बेल बजी तो इसमें आप इनको एट सेंटेंसेज को लिख दीजिएगा नेक्स्ट इज ना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज वेन आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी यस्टर मैं टैक्सी में बैठा हुआ था कल जब जब क्या हुआ वैन द रेन है इट वॉज स्टार्ट रेनिंग बारिश होने लगी या फिर वेन द एक्सीडेंट हुआ तब मैं अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था आप कुछ भी इस तरीके से इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं ही वो अपने कबर्ड को क्लीन रही थी वेन जब वेन शी या फिर सॉरी वेन ही फाउंड हिज ओल्ड फोटोग्राफ जब उसको उसकी कोई पुरानी फोटोग्राफ मिल गई इस तरीके से राइट एनी सेंटेंस आप कोई भी सेंटेंस लिख दीजिए और इसको आपको कंप्लीट करना है तो ये कुछ आपको सजेस्टेड आंसर्स दिए हुए हैं सजेस्टेड है आपके आंसर्स डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज इनके कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है आई वॉज सिटिंग इन द टैक्सी यस्टरडे वैन रेनफॉल स्टार्टेड जब बारिश शुरू हो गई आई वॉज क्लीनिंग आउट माई कबर्ड मैं अपनी कबर्ड क्लीन कर रहा था वैन फाउंड द लॉस्ट पेन मुझे अपना पुराना लॉस्ट पेन मिल गया द चाइल्ड क्राइड बच्चा रोने लगा वैन अ डॉग रेन रोड जब एक कु जो है दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया वी वर प्लेंग हम खेल रहे थे वेन द टीचर वॉकड इन टू द रूम जब टीचर रूम में आई ओके वेन वी कंपेयर टू थिंग्स और पीपल जब हम दो लोगों को या चीजों को कंपेयर करते हैं वी एड ई आर और मोर टू डि डिस्क्राइबिंग वर्ड जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो या तो आप ई ER आर लगाते हैं जैसे स्ट्रॉगर ओके बेटर या फिर आप मोर लगाते हैं मोर ब्यूटिफुल है ना लेकिन जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तीन या उससे ज़्यादा तो आप लगाते हैं ई एस टी जैसे स्ट्रोंगेस्ट ओके बेस्टेस्ट या फिर मोस्ट लगाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दो से ज़्यादा लोग हैं और उनके बीच में कंपैरिजन है तो आप मोस्ट यूज़ करेंगे किसी एक को सुपीरियर दिखाने के लिए ये एक्चुअली तीन आपकी डिग्री होती है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एक वर्ड की तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ दिस इज़ फास्ट बोट आपकी फास्ट है लेकिन कार फास्टर है यानी कि दो में कंपैरिजन होगा तो कार फास्टर लेकिन अगर तीनों में कंपैरिजन है तो फास्टेस्ट है आपका एरोप्लेन तो फास्ट फास्टर फास्टेस्ट द बोट इज़ फास्ट द कार इज फास्टर देन द सेल बोट कार जो आपकी बोट से फास्टर है लेकिन एरोप्लेन इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल एरोप्लेन सबसे फास्ट है जैसे ये गेम डिफिकल्ट है दिस इज़ मोर डिफिकल्ट एंड दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट ओके तो मोर मोस्ट भी लगा सकते हैं आप ई आर ई एस टी भी लगा सकते हैं डिपेंड करता है हिटिंग द टारगेट इज डिफिकल्ट जगलिंग कैप्स इज मोर डिफिकल्ट देन हिटिंग द टारगेट एंड डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द ऑल ठीक है अब आपको यहाँ पर ईजी और स्ट्रॉग के वर्ड्स यूज करने जैसे तो स्किपिंग -E इज ईजी स्किपिंग ईजी है जम्पिंग इज ईजियर आप आई ई आर लगा दीजिए इसमें देन स्कीपिंग जम्पिंग स्कीपिंग से भी आसान है स्कीपिंग बोलते हैं रस्सी कूदने को वॉकिंग इज ईजी स्टो फॉल्स और सबसे आसान क्या है वॉक करना आप स्कीपिंग भी मत करो आई ई एस टी और जंपिंग मत करो वॉक करो तो स्किपिंग ईजी है जंपिंग ईजियर है स्किपिंग से लेकिन वॉकिंग ईजीएस्ट है सब में नेक्स्ट इज द डॉग इज़ अब आपको स्ट्रांग यूज करना है द डॉग इज स्ट्रांग डॉग स्ट्रांग है लेकिन हॉर्स इज स्ट्रांगर हॉर्स जो है आपका वो स्ट्रांगर है देन डॉग डॉग से एलिफेंट इज द स्ट्रोंगेस्ट एलिफेंट द स्ट्रांगेस्ट है ध्यान रखना जब आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले द ज़रूर लगाते हैं द स्ट्रोंगेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे स्ट्रोंगेस्ट है जी ई एस टी ओके नेक्स्ट इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे इसी तरीके से इनको कंप्लीट करिए यूजिंग वर्ड जूसी एंड एक्साइटिंग एप्पल है जूसी सी वाई ऑरेंज है जूसी आर जी यू आई सी आई ई आर और शुगर के ना आपका जूसी सी आई ई एस टी ओके नेक्स्ट इज एक्साइटिंग रॉक क्लाइंबिंग है एक्साइटिंग स्कीइंग है आपकी मोर एक्साइटिंग मोर लगाएंगे और एक्साइटिंग एज इट इज रहने देंगे नेक्स्ट इज रिवर राफ्टिंग है आपकी मोस्ट एक्साइटिंग तो रिवर राफ्टिंग में आप मोस्ट लगाएंगे और एक्साइटिंग लिखेंगे बाद में ओके okay? तो जूसी जूसीएस्ट एंड एक्साइटिंग 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 मोर मोस्ट आंसर्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर आपको स्पेलिंग में वैसे कोई डाउट है तो ओके okay. नाउ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए यू हैव टू करेक्ट उनमें करेक्शन करनी है आपको दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ द ऑल सबसे सिंपल प्रॉब्लम है ये तो सबसे सिंपल के लिए आपको क्या होना चाहिए था द सिंपलेस्ट एस आई एम पी एल ई एस टी सिंपलेस्ट आना चाहिए था सिंपलर की जगह तो आप इसकी जगह सिंपलेस्ट लिख देंगे विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स दो में कंपैरिजन हो रहा है तो ई एस टी नहीं लगता ई आर लगता है तो लाइटेस्ट गलत है यहाँ पर लाइटर होना चाहिए था एल आई जी एच टी ई आर ओके विच ऑफ द लाइटर विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स नेक्स्ट इज ही इज क्लेवरर देन आई एम वो क्लेवरर है ज्यादा क्लेवर है तो क्लेवरर कुछ नहीं होता मोर क्लेवर होता है यहाँ पर मोर क्लेवर देन आई एम ओके जरूरी नहीं है सब में आपका ई ER आर या ई एस टी लग जाए कई बार वर्ड के आगे मोर या फिर मोस्ट भी लगाना होता है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू मुझे इन दोनों में ये सबसे ज़्यादा पसंद है तो दो के लिए जो होता है गुड बेटर एंड बेस्ट तो सेकेंड जो दो के लिए यूज होता है आपकी जो कंपेरेटिव डिग्री है वो बेटर होती है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई लाइक दिस द बेट आई लाइक दिस द नहीं आएगा बेटर ऑफ द टू नेक्स्ट इज द फ्लड हैड बिकम बैडर नहीं आएगा वर्स्ट क्योंकि बहुत सबसे बेकार कंडीशन ये ले चुकी है बैड वर्ड्स एंड वर्स्ट एक्चुअली बैडर कुछ होता ही नहीं है वर्ड ही नहीं होता है ठीक तो बैड वर्ड्स एंड वर्स्ट तो वर्स्ट है जैसे होती जा रही है फ्लड जैसे जैसे रेन इंक्रीज होती जा रही है मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स अभी शो कर देती हूँ दिस इज द सिंपलेस्ट एंड नेक्स्ट इज लाइटर क्लेवरर बेटर एंड वर्स्ट ओके नॉट दिस इज क्लेवर इज रॉन्ग मोर क्लेवर

आई कैपिटल होता है आई तो हमेशा कैपिटल होता है बीच में आए या कहीं भी आए आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की फ्रिस्की यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आना था आपका फ्रिस्की इज अ बुल डॉग एंड फ्रिस्की नाम है क्योंकि ये भी कैपिटल था एम गोइंग टू शो यू दी करेक्ट आंसर एक्चुअली डियर समीर एम बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है तो ये मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ आप इस तरीके से पंक्चुएट कर लेंगे मैं आप तुम्हें अपने पेट फ्रिस्की की फोटो दिखा रही हूँ ही इज अ बुलडॉग वो एक बुलडोग है एंड ए वेरी हैप्पी पपी बहुत हैप्पी पपी है बाई नेक्स्ट समर अगले समय तक ही शुड भी ओल्ड इनफ टू गो विद हमारे साथ जाने जितना बड़ा वो हो जाएगा ऑन आर लॉन्ग वॉक हमारे साथ लॉन्ग वॉक पर जाए करेगा आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सींग

इंडिया का आई कैपिटल नाम जो होगा बैंक का वो कैपिटल आएगा एंड देन फुल स्टॉप होना चाहिए था लास्ट में द डॉग द कैपिटल होना चाहिए था वैग्स इट्स टेल वेन इट्स प्लीज बट अ कैट वीव्स इट्स टेल वेन इट्स एंग्री ओके तो इस तरीके से इनको आपको पंक्चुएट करना आई एम गोइंग टू शो यू दी करेक्ट आंसेस आप इनको देख लीजिएगा नेक्स्ट आपको वर्ड दिए हुए हैं कुछ आपको कंपैरिजन करना है कि जायंट अगर आप लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका NCRT का फिल इन द ब्लैंक जैसे जायंट आप लिख सकते हैं रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया का जो रेड वुड ट्री होता है बहुत बड़ा होता है तो एक जायंट ट्री आपको लिखना है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं जायंट बर्ड अगर आपको लिखनी है बहुत बड़ी बर्ड सबसे बड़ी बर्ड कौन सी होती है ऑस्ट्रिच तो आप यहाँ पर ऑस्ट्रिच लिख सकते हैं नेक्स्ट अ जायंट लैंड एनिमल एलिफेंट लिख सकते हैं बड़ा लैंड एनिमल अ जाइंट वाटर क्रीचर जाइंट वाटर क्रीचर लिखना है तो ब्लू वेल लिख सकते हैं क्योंकि ब्लू वेल सबसे बड़ा क्रीचर है वैसे अर्थ के ऊपर और पानी वाटर एनिमल में अगर देखें तो नेक्स्ट अ जाइंट रेप्टाइल अगर रेप्टाइल की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो सबसे बड़ा आपका जाइंट रेप्टाइल होता है नेक्स्ट जाइंट एरोप्लेन की अगर बात करेंगे तो एयरबस ए थ्री एटी एट हंड्रेड आपके सबसे बड़ा जो एरोप्लेन है उसका नाम है ये तो ये कुछ जो जाइंट है जो सबसे बड़े हैं आपके इस फील्ड में उनके नाम आपको लिखने हैं आपकी बुक में एंड दिस इज क्रिएटिव राइटिंग आप सुबह उठते हैं द मॉर्निंग यू फाइंड योर सेल्फ इन द लैंड ऑफ डू ऑफ्स आपको डु ऑफ्स के लैंड पे आप चले जाते हैं डू ऑफ बोलते हैं जो बहुत बोने लोग होते हैं अब आप उसको स्टोरी uh, को कम्प्लीट करना दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ ना एक जोक आपको दिया हुआ है वॉट डिड द मॉन्स्टर इट आफ्टर द डेंटिस्ट पुल्ड हिज टूथ अगर डेंटिस्ट किसी जाइंट के टूथ uh, मॉन्सटर के सॉरी किसी देते के uh, नात निकाल दे तो फिर वो किसको खाए खाये, क्या खाएगा नात निकालने के बाद तो वो खाएगा डेंटिस्ट को ओके दिस वॉज अ जोक सो दैट्स ऑल ये आपका चैप्टर था एम श्योर sure आपको सभी को समझ में आ गया होगा और आप सब रेडी भी होंगे अपनी क्विज़ के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग